गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इससे पहले मिक्सर साइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 14 तो कंप्लीट किए थे और अब क्वेश्चन नंबर 15 से आगे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रूव दैट कॉट 4x ब्रैकेट में है साइन 5x प्लस साइन 3x। तो हम कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते थे, राइट हैंड साइड आ जाता था, और किसी क्वेश्चन में अगर नहीं आता है तो उसमें राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे, दोनों को हम इक्वल लाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं LHS इज इक्वल टू, LHS में क्या है हमारा, cot 4x और ब्रैकेट में गिवन है वैल्यू sin 5x प्लस sin 3x। अब हम देखते हैं यहाँ से साइन, ये फार्मूला जो हमारा है, ये हमारा फार्मूला साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला हमने क्या बताया था, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2। और कॉट का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, कॉस 4x अपॉन साइन 4x। अब ब्रैकेट में फार्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन ए प्लस बी, यानी 5 और 3 ऐड करेंगे एट आएगा, एट एक्स बाई 2 हो जाएगा, इंटू कॉस एक्स के साथ क्या हो जाएगा, कॉस एक्स में 5 में 3x माइनस करेंगे तो 2x आएगा, इसे लिखेंगे हम 2x बाई 2। अब इज इक्वल टू कॉस 4x अपॉन ये साइन 4x, और ये क्या रहेगा, कैंसिल होगा तो हमारा 4x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x इंटू कॉस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये कॉस एक्स होगा। अब देखेंगे साइन से साइन 4x कैंसिल हो रहा है और हमारा क्या आ रहा है, 2 कॉस 4x इंटू कॉस एक्स, ये हमारा LHS आ गया। अब LHS हमारा RHS के इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए हम इस RHS को भी सॉल्व करेंगे। देखते हैं RHS क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे। cot को हम क्या लिखेंगे, cos x अपॉन साइन x लिखेंगे और ब्रैकेट में साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन a माइनस b कहें उसको या c माइनस d कहें, बात एक ही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 cos ऐड होगा तो एट x हो जाएगा, एट x को 4x लिख हैं इंटू 5 में 2 माइनस होगा तो 2x होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा इंटू साइन x हो जाएगा। आप देखते हैं साइन x से साइन x कैंसिल, क्या आ जाएगा, 2 cos 4x इंटू cos x, ये हमारा क्या आ गया, RHS। LHS देखते हैं यही था हमारा, 2 cos 4x इंटू cos x। LHS इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, RHS के आ गया। तो क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS 8 प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। अब 15 तक हमने लगभग सारे क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन अब 15 के बाद हम सारे क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। आप कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से जान गए हैं, फॉर्मूले भी अप्लाई करना जान गए हैं। अब जो क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएंगे और आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, प्रूव दैट कॉस 9x माइनस कॉस 5x अपॉन साइन 17x। कह रहा है क्वेश्चन, कॉस 9x माइनस कॉस 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू, लाना है माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे अपने आप से, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं, कॉस a माइनस बी का फार्मूला लगेगा, नीचे किसका लगेगा, साइन a माइनस बी का, इसका फार्मूला आपको पता है 2 साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, दोनों में फार्मूला लगा के इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको हम नहीं करवाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 17 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इजी है, बिल्कुल सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, वही साइन ए प्लस साइन बी अपॉन में साइन कॉस ए प्लस कॉस बी लगा के आप सॉल्व कर लेंगे। 18 नंबर भी क्वेश्चन सेम उसी तरीके से है,
19 नंबर क्वेश्चन सेम उसी तरीके से है जैसे 17 था 18 था, उसी तरीके से क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर सेम उसी तरीके से है, ऊपर जो क्वेश्चन हमने बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 भी आप कर लेंगे। 21 में थोड़ा प्रोसेस करके हम बता देते हैं कि क्या होगा। cos 4x plus cos 3x, cos 3x plus cos 2x, डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू दी है, sin 4x, sin 4x plus sin 3x, sin 3x, फिर क्या है यहाँ से प्लस साइन 2x इज इक्वल टू प्रूव करके लाना है कॉट 3x। आप इसमें इसमें अलग अलग तीन टर्म हैं तो ऐसा देख के हमें घबराना नहीं है, इसमें फॉर्मूला कैसे लग जाएगा, 3 को हम अलग कर देंगे और इसको cos a plus cos b, cos a plus cos b वाला फार्मूला लगा देंगे, इसमें भी अलग कर देंगे, इसमें भी फार्मूला लगा देंगे, फिर कॉमन मिल जाएगा, कॉमन मिलने के बाद कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा RHS आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, 22 क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन हम बता देते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, 22 में कह रहा है कि cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x, फिर क्या है आगे, माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल 1। हमें 1 प्रूव करके लाना है। अब आपको जितने हमने फॉर्मूले पहले बताए हैं वो फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन खटाखट सॉल्व होते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं आ रहे हैं तो हर स्टेप में आपको दिक्कत होगी। पीछे की जितने भी फॉर्मूले करवाए हैं, जो भी हमने कॉन्सेप्ट दिया है, उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए और ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होते चले जाएंगे। आप देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, हम cot x LHS बार लेंगे, हम LHS इज इक्वल टू cot x इंटू cot 2x। आप इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, cot 3x इसमें, cot 3x इसमें, हमने कॉमन ले लिया, cot 3x हमने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, cot 2x माइनस था तो प्लस हो गया cot x। अब इस cot 3x को हम क्या लिख सकते हैं, cot x माइनस cot 2x माइनस इस cot को हम लिख सकते हैं cot 2x प्लस x, 3x हमारा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा cot 2x प्लस cot x। अब यहाँ से क्या होगा, फार्मूला इसका हमने क्या बताया था आपको, फार्मूला इससे पहले जो फार्मूला ही लिखवाया था, इससे पहले वीडियो जब इंट्रोडक्शन दिया था, cot x cot 2x माइनस इसका फार्मूला होता है ब्रैकेट में cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a इंटू में क्या है cot 2x प्लस cot x, ये कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस साइन है, ब्रैकेट ओपन होगा, ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा cot x माइनस cot 2x माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से cos a इंटू cos b, सॉरी यहाँ पे इंटू था। अब ये क्या हो जाएगा cot इंटू cot b, फिर ये क्या हो जाएगा cot 2x इंटू cot x प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होके क्या हमारा आ गया 1, यही हमें RHS में लाना था, वही भाषा लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS इट प्रूव। क्वेश्चन नंबर हम 22 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है प्रूव दैट tan 4x इज इक्वल टू, ये भी क्वेश्चन बताने वाला है,
ये भी क्वेश्चन हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कह रहा है tan 4x इज इक्वल टू, प्रूव करके लाना है, 4 tan x और क्या रह जाएगा, 1 minus tan square x अपॉन 1 minus 6 tan square x प्लस 10 की पावर 4 x। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो ये हमारा tan 4x है। tan 4x का फॉर्मूला क्या होता है, tan 4x का फॉर्मूला नहीं होता, इसको चेंज करेंगे हम tan 2 into 2x की फॉर्म में। tan 2x का फॉर्मूला हमें पता है कि 2 tan 2x अपॉन 1 minus tan square 2x ये फॉर्मूला होता है। हमें लाना है RHS में tan x की फॉर्म में। tan x की फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। इसमें tan 2x का जो यहाँ अप्लाई करें हैं, इसको दोनों स्टेप में न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में अप्लाई करेंगे, तो 2 साइड बता देते हैं, 2 इसके साथ जब अप्लाई होगा तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 minus tan square x। अब डिनोमिनेटर में सेम ऐसे फॉर्मूला अप्लाई होगा, ब्रैकेट में क्या होगा, 2 tan x अपॉन 1 minus tan square x का होल ऑफ स्क्वायर। अब हम देखते क्या होगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4 tan x अपॉन 1 minus tan square x अपॉन, अब ये कहाँ चला जाएगा, LCM लेंगे तो LCM लेने पे 1 के साथ चला जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 1 minus tan square x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 tan x का स्क्वायर, 2 tan x का स्क्वायर अपॉन में क्या रहेगा, यहाँ से अपॉन में रहेगा 1 minus tan square x का होल ऑफ। अब देखिए इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा हमारा 4 tan x अपॉन, इसका फार्मूला जब हम ओपन करेंगे तो फार्मूला ओपन होने में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से ओपन होने में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो tan 4x माइनस 2ab करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 जा कितना हो जाएगा, माइनस 4 tan स्क्वायर x। हमें प्रूव करके क्या लाना था और इसकी डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 1 अपॉन करके ये अपॉन में ही वैल्यू रहेगी, ये कैंसिल हो गया था, यानी इसको हमें लिखना चाहिए था इस फॉर्म में अपॉन करके, इसे लिखना चाहिए था हमें 4 tan x अपॉन 1 करके, और इसके अपॉन में क्या वैल्यू है, 1 minus tan square x। अब ये न्यूमरेटर के साथ चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 tan x और 1 minus tan square x अपॉन में क्या रहेगा, 1 plus tan की पावर 4 x minus 6 tan square x, ये हमारा क्या हुआ, RHS हुआ, यही RHS आ रहा है, हम चेक कर लेते हैं एक बार प्लस के साथ माइनस के साथ, हाँ यही RHS आ रहा है, लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS 8 प्रूव्ड, ये सिद्ध हुआ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इसके आगे के क्या हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 है cos 4x, ये भी बताने वाला है 4x फॉर्मूला लगेगा। 24 क्वेश्चन नंबर 24 cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस एट साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, cos 4x को सॉल्व करके ये लाएंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू हमारा है cos 4x, इसे लिख सकते हैं 4x का फॉर्मूला नहीं होता है 2 × 2x। अब हमें लाना किस फॉर्म में है, साइन और कॉस की फॉर्म में लाना है। अब हम 2x को किसी भी फॉर्म में ले जाएं, कॉस में ले जाएं या साइन में ले जाएं, हम इसको साइन की फॉर्म में ले जा रहे हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, ये भी फॉर्मूला हमने बताया था कॉस एक्स से कॉस 2x से कॉस एक्स में जाने वाला फॉर्मूला। अब कॉस एक्स का कॉस 2x में जा रहा है फॉर्मूला, अब क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस 2। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे साइन 2x का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन 2x का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, इसका फॉर्मूला बताया था हमने 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, स्क्वायर लगा लेंगे इज इक्वल टू 1 माइनस 2, ओपन होगा तो 2 × 2 = 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8 1 - 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यही RHS था। ये हमने LHS इक्वल RHS प्रूव करके दिखा दिया। डियर स्टूडेंट्स, लगभग सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए इस एक्सरसाइज के। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ हम आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।